का गुरुग्राम साइबर हब के नाम से जाना जाता है। यहाँ जैसे ही आप घुसेंगे आपको ऊंची ऊंची इमारतें दिखेंगी। जगमगाती ये इमारतें इस बात की गवाही देती हैं कि साइबर सिटी पूरी तरह से विकसित हो चुका है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि साइबर सिटी में भी कई इलाके ऐसे हैं जो आज तक भी विकास के लिए तरस रहे हैं। आज एक ऐसी ही कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे वार्ड 16 की। कहते हैं कि वार्ड 16 के लोग पिछले 10 सालों से विकास के लिए दुहाई दे रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि वार्ड 16 के लोग कह रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ फैली गंदगी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है और सड़कों पर फैले इस गंदे पानी की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इतना ही नहीं बल्कि गंदे सीवर और पीने का पानी मिक्स हो रहा है, जिसकी शिकायत भी ये कई बार निवर्तमान पार्षद को कर चुके हैं। निवर्तमान पार्षद पर जमकर भड़ास निकालते हुए लोगों ने कहा कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी पार्षद साहिबा यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया नहीं करवा पाई हैं और सत्ता के नशे में चूर रहने की वजह से उन्हें लोगों की परेशानियां नजर नहीं आती। आपको बता दें कि स्थानीय निवासी पारस ने साफ तौर पर निवर्तमान पार्षद को घेरते हुए अपील की कि राजनीति छोड़कर लोगों की परेशानियों का समाधान वो निकाले। एक महीने से भी ज्यादा होने को आया ये परेशानी के लिए, तो अब कितनी बार फोन करेगा, फोन भी नहीं उठाते। आए थे ना, दावा ठोकते गए हैं अगली साल फिर मैं फिर आने वाला हूँ, 5 साल से आ रहा हूँ तो मैं फिर आऊंगा। फोन उनकी यही है कि 11 नंबर का काम नहीं होने देंगे। राशन कार्ड के लिए जाते हैं ऑफिस में, हो जाए 3-4 महीने लगेंगे, अब 11 नंबर का कोई काम नहीं होगा। यही ना हम शिकायत कर रहे हैं ना अब इसकी, कोई दूसरा गली में आके क्यों पूछ रहा है हमसे। एक बार आया था ना, पर अभी जो ये सब गए थे पारस जब आया है तो करीब मेरी गली में कोई दूसरा नहीं घुस सकता, इसलिए आया तुरंत। बहुत परेशानी होती है, कभी कोई बड़ा बुजुर्ग गिर रहा है, कभी करके पैरों के पानी इतना हो जाता है, ठंड इतनी है और सुबह सुबह पानी पानी बह के आ जाता है, तो इससे ठंड और बढ़ जाती है। बच्चे स्कूल तो कोई ये कोई ना कोई दिखने नहीं आ नहीं आ रहा कि भाई हम लोग कितनी परेशानी में हैं। यहाँ के पार्षद को आना चाहिए कि यहाँ क्या परेशानी, बुलाने पर भी नहीं आ रहे तो फिर कैसे पार्षद का क्या फायदा। अब मुझे से एक बार आए होंगे जो इनके बाद ही आए, जो ये सर आए थे सामने, देखो उठ भी नहीं सकती वे, ये दो महीने है ये बेचारी वो गिर गई है, उनकी कूलर टूटा है और ये क्या कहते हैं एक रॉड भी डली है, इनके ऑपरेशन हुए हैं, ये भी ऐसे ही हो रहा है। यही परेशानी है, नंबर में ऐसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, यहाँ पे 1.5-2 महीने हो गए, ये पानी इतना भरा हुआ और इतनी गंदगी है, गेट दरवाजा नहीं खोल सकते हम, और निकलते हैं गिरने का डर रहता है। एक बार गिर चुके हैं हम, हमारे तो रॉड डली हुई है। और क्या करेंगे, जब पार्षद आया यहाँ पे उसको किसने फोन किया, वो आया तो बोला कि क्या कहते मैं तुम्हारे, हमने बोला उसको एक बार तो अपने वार्ड में राउंड लगाओ, राउंड लगा के देखो तो सही एक बार क्या हो रहा है। कहता मेरे को ये जिम्मेवारी नहीं है कि मैं हर समय एक एक का गेट खड़काऊँ और उसको बोलूँ कि बैल बजा के कि मैं आया हुआ हूँ, और एक बार भी नहीं आया, कह रहा इस बार मैं फिर आऊँगा। गंदगी काफ़ी समय से ऐसे चल रहा है, गंदगी ऐसे ही रहती है यहाँ पर। गंदगी देखो पब्लिक भी ऐसी है, कोई सफाई का कुछ कारण ही नहीं है, सब यहीं पर गंद घेरते हैं। पर लेकिन चक्कर क्या है कि काफ़ी दिन से सीवर टूटा हुआ है यहाँ पर, इनमें 10 बार तो लोग गिरते ही गिरते हैं, एक का टांग टूट गई एक आंटी जी की। इस वक्त मेरी जिम्मेदारी वार्ड 16 के अंदर लोगों की एक एक प्रॉब्लम को सुनना और उनकी समस्याओं पे क्या समाधान हम लोग एज अ विपक्ष रहते हुए दे सकते हैं, यानी कि लोगों की आवाज़ को बुलंद करना और संबंधित अधिकारियों तक उनकी जो परेशानियाँ पहुँचाने का है। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग अभी कोई चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हमारा काम है लोगों में जागरूकता लाना कि देखिए अगर ये समस्या है तो इसके लिए हमें इस अधिकारी से बात करनी होगी। कुछ दिन पहले मेरे जो है नॉलेज में ये बात लाई गई थी कि मदनपुरी ज्योति पार्क का जो मंडी लगती है, सब्जी मंडी लगती है, वहाँ पर पिछले कई दिनों से L&T कंपनी जो है खुदाई कर रही है, पूरे रोड को भी आपने देखा खोद के छोड़ दिया गया है, जिसकी लापरवाही से काम करने की वजह से कभी कहीं पे सीवर की लाइन टूट रही है, कभी यहाँ पे पानी की लाइन टूट रही है। पिछले कई दिनों से यहाँ पे लोग गंदे पानी के बहने, रिसाव होने और पीने के पानी में उस गंदे पानी के मिलने से परेशान हो रहे हैं। अभी आप एक बहन जी ने बताया कि एक बुजुर्ग को भी लग गई थी, जिसकी वजह से उनका कूलर टूट गया था और उन्हें जो है रॉड डली है। रोज आना यहाँ पे पास में अलग अलग छोटे छोटे स्कूल्स हैं, वहाँ पे जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है डेली कोई ना कोई बच्चा इस कीचड़ में गिर जाता है। आवारा पशु यहाँ पर घूम रहे हैं, कूड़े का हत्ता यहाँ पे बना हुआ है। ऐसा तो नहीं है मैंने आके बोल दिया काम हुआ और आप लोग बोल रहे हो काम हुआ है, मैंने किसी को पैसे तो नहीं दिए थी बोलने के। ये बात समझनी पड़ेगी। अब मुझे मैं साफ कहना चाहूंगा,
मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन पार्षद था कौन नहीं था, हम उनका नाम भी नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं हमारा कार्यकाल कंप्लीट हो गया तो अब उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, चलिए मान लिया, लेकिन जिम्मेदारी बनने के वक्त अब जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले आके वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, वो अपने आने वाले चुनाव में मेयर बनने का दावा ठोक रहे हैं। यहाँ तक कि इस गली में सर ये परिवार है मेरा, ये वार्ड परिवार है, जहाँ पे आके ये आप बोल के जा रहे हो ना कि आने वाले चुनाव में भी मैं 10,000 वोट से जीतूंगा या मैं यहीं पे अपनी सरकार दोबारा बनाने वाला हूँ, तो ये घमंड तो सर मैं बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी नेता हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, घमंड तो बड़े से बड़े राजाओं का नहीं टिका, घमंड तो बादलों का नहीं टिका सरकार, पंजाब सरकार के अंदर 100 साल पुरानी पार्टी 2 विधायकों के ऊपर आके टिक गई है, दिल्ली के अंदर 15 साल से शीला दीक्षित जी की सरकार थी, 3 विधायक बचे थे उनके बाद, गुड़गांव की अगर हम बात करें नगर निगम के चुनाव स्तर पर है, जनता जवाब आपको देगी, आप काम नहीं करवाना चाहते मत करवाइए, धमकाइए मत, ये लोग नौकर नहीं है आपके। मैं जब से संज्ञान में मेरे खबर आई थी, हमने 5 दिन पहले मेरे पास ये नॉलेज में जो है डिटेल आई थी मेरे पास, उससे पहले भी हम लोग कंप्लेंट कर चुके थे, हमने जो निगम के जेई है यहाँ पे संबंधित रोहित जाखड़ जी से बात की मैंने, सुमित जी हैं, सुमित चहल जी जो कि एक परमानेंट जो है कर्मचारी है, क्या कहा उन्होंने, क्या कहना उनका? सर सुमित जी फोन नहीं उठाते, उनको व्हाट्सएप पे सारी डिटेल दी थी, पढ़ने के बाद रिवर्ट नहीं करते, रोहित भाई ने जरूर रिप्लाई किया, उन्होंने मेरी कॉल सुनी, जब जब मैंने कॉल किया उन्होंने आंसर किया, उन्होंने जिस नम बोला कि इस सुपरवाइजर से बात कर लीजिए, वो सुपरवाइजर आता बोलता मेरा काम नहीं है, ये काम L&T के ठेकेदार का है, L&T के ठेकेदार से बात हुई, कल भी यहाँ पर नरेश भाई आए जो L&T से थे, वो आए बोले जी मैं वादा करता हूँ 1.5 घंटे में काम हो जाएगा, मैंने कहा मैंने आपको 3 घंटे दिए, 3 घंटे देने के बाद वो आदमी फोन उठाना बंद कर देता है, यहाँ पे 20 लोगों ने अलग नंबर से फोन किए, फोन नहीं उठाए गए, फिर रोहित जेई से हमारी बात हुई, रोहित जी ने बोला कि मैं बात करता हूँ, कौन कॉल पे लिया गया, फिर अब मालूम पड़ा कि यहाँ पे कल मेरे पास फोन आया अशोक सुपरवाइजर जी का, उनका फोन आया तो बोले मेरा काम है निगम से इस काम को करवाना, करने का काम है मनीष जी का, मनीष को एक दूसरे के ऊपर डाला जा रहा है सर, यहाँ पे ना पत्ते बांटे जा रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा, ठीक है नहीं करना हाथ खड़े कर दो ना सर, क्यों हमें गड्ढे में डाल रखा है, ठीक है करता हूँ भैया, हमें नहीं करनी राजनीति, आगे काम कर लीजिए, इसी के लिए चुना था आपको, इसी के लिए 10 साल से आप सत्ता में काबिज हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है, शेम ऑन बीजेपी गवर्नमेंट, दोबारा वोट तो छोड़िए सर, कोई नहीं पूछेगा आपको यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि इन लोगों की पुकार कब तक निवर्तमान पार्षद तक पहुँच पाती है और पार्षद साहिबा क्या इनकी मुसीबतों को हल कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।